हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जल्द ही अपनी दो फिल्मों को लेकर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। पिछले साल शाहरुख की फिल्म जीरो रिलीज हुई थी। शाहरुख खान पहली बार किसी फिल्म में बौने के किरदार में दिखाई दिए थे, लेकिन किंग खान का किरदार दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया और बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म जीरो बुरी तरह पिट गई थी। वही काफी टाइम से फैंस को इस बात का इंतजार है कि किंग खान अपने नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कब करेंगे। काफी सारी फिल्मों के साथ उनके नाम जुड़ चुके हैं, लेकिन शाहरुख ने सभी को अफवाह बताया था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म के लिए तमिल फिल्म मेकर अतली कुमार के साथ हाथ मिला लिया है। खबरों की माने तो शाहरुख खान की इस फिल्म को अतली कुमार डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म का टाइटल सनकी होगा। बता दें कि फिल्म मेकर अतली शाहरुख खान के बहुत ही बड़े फैन हैं और हाल ही में उनके साथ काम करने को लेकर भी वो खुलासा कर चुके हैं, जिसके बाद से ही ये खबरें पक्की बताई जा रही हैं कि शाहरुख खान की अगली फिल्म अतली के साथ ही होगी। अतली ने शाहरुख खान के साथ काम करने को लेकर कहा था कि मैं शाहरुख खान सर से बहुत प्यार करने के साथ साथ उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो मेरे काम को पसंद करेंगे, जल्द ही उम्मीद है हम एक साथ काम करेंगे। आपको बता दें कि अतली के साथ शाहरुख खान के प्रोजेक्ट्स के बारे में बस काफी समय से चल रहा है। वही बात करें अतली की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बिगिल की, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, जिसने सिर्फ 5 ही दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में शाहरुख के साथ अतली का फिल्म बनाना दर्शकों के बीच भी और ज्यादा क्रेज बढ़ाने वाला है। आपको बता दें कि इस फिल्म के अलावा किंग खान ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आने वाले हैं। खबरें थी कि इस फिल्म में शाहरुख का कैमियो रोल होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनका रोल फिल्म में काफी अच्छा खासा होगा, जिसके लिए फिल्म के डायरेक्टर आयाम मुखर्जी उनके रोल पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म बहुत ही बड़े लेवल पर बन रही है। फिल्म में अपने किरदार की शूटिंग शाहरुख खान जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब अब फाइनली बादशाह ने दो बड़ी फिल्में साइन कर ली है। वैसे आप शाहरुख खान को फिल्मों में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।